के बाद पढ़ेंगे कल के लेक्चर में, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दो मेथड हमारे पास होते हैं, एक होता है स्टेपिंग स्टोन, दूसरा होता है हमारे पास वैन, सॉरी वैन करूँ मोदी मेथड, मोदी और यूएम मेथड, ठीक है। उसकी हेल्प से हम लोग उसको सोल्यूशन को ऑप्टिमल करते चेक करते हैं कि सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल है या नहीं है। अगर हमारा सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो उसको हम ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और अगर ऑप्टिमल है तो वही हमारा सोल्यूशन फाइनल हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग आज, हम लोगों ने चार मेथड तो पढ़ चुके हैं, हम लोग आज पाँचवा मेथड पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। तो इन चारों मेथड में अगर किसी को अभी भी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ये आपको पहले होने चाहिए क्लियर। ये चारों मेथड आपको क्लियर है बेटा? यस सर, यस सर, तो फिर मैं आज एक नया मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ, अच्छे से आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार रिवाइज कर लो। ये हम लोगों ने कल जो क्वेश्चन किया था, पहले आंसर आया था हमारा 116 नॉर्थ वेस्ट से हमने सॉल्व किया था इसको, दूसरा हमारा था रोबिनमा, इससे इसका आंसर आया था 112, और जो थर्ड हमारा था कॉलम बिनमा, इससे इसका आंसर आया था हमारा 116, और फिर हमारा जो लीस्ट कॉस्ट था उससे हमारा आंसर आया था 112। ये आपके पास कल नोट होगा, ठीक। अब वही सेम क्वेश्चन हम लोग उठाएंगे आज, उसको सॉल्व करेंगे वैन से। बट वैन को स्टार्ट करने से पहले इसमें हमारे कुछ रूल्स होते हैं, वो हमें पता होने चाहिए, तभी हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, राइट। पहले हम लोग कुछ रूल्स देख लेते हैं इसमें, हम लोग क्या करना है वैन में। तो सबसे पहले हम लोगों को इसमें एक नया टर्म आता है पेनल्टी, वो करनी होती है कैलकुलेट। अभी पेनल्टी क्या है? पेनल्टी आपको हर रो और हर कॉलम में निकालनी होती है, उनकी जो कॉस्ट है उनका डिफरेंस। अब कौन सी कॉस्ट है, सबसे हम लोग चूज करेंगे कॉलम और रो वाइज सबसे छोटी कॉस्ट जो होती है, उसमें साथ तो लिखा हुआ है डिफरेंस बिटवीन द स्मॉलेस्ट कॉस्ट एंड द नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कॉस्ट इन द यूनिट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यानी कि जो आपको हर रो वाइज कॉलम वाइज एक पेनल्टी निकालनी होगी, पेनल्टी क्या होगी, सबसे छोटी कॉस्ट और उससे बड़ी कॉस्ट का डिफरेंस, ठीक है। ये हो गया आपका पेनल्टी, ये आपको निकालनी है हर रो और हर कॉलम के लिए हर इटरेशन के बाद, ठीक है भाई, क्लियर है। उसके बाद जो हमारा अगला स्टेप आता है, आपने फर्स्ट स्टेप में पेनल्टी निकाल ली, उसके बाद जो अगला स्टेप आता है उसमें हम लोग निकालते हैं कि जो सबसे बड़ी पेनल्टी हमारी है, विच इज द बिगेस्ट पेनल्टी, लार्जेस्ट पेनल्टी इन द टर्म्स ऑफ पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि सारी पेनल्टी हमारी पॉजिटिव आएंगी, तो जाहिर सी बात है हम लोग पॉजिटिव वैल्यू में चेक करेंगे कि सबसे बड़ी वैल्यू हमारी कौन सी है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट द रो और कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टी, यानी कि सर जो सबसे बड़ी वैल्यू है हम लोग वो चूज करते हैं, और उसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, यानी सबसे बड़ी पेनल्टी चूज करनी है और उससे करस्पॉन्डिंग जाना है सबसे छोटी कॉस्ट में। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, सबसे बड़ी पेनल्टी और उससे करस्पॉन्डिंग उसी रो या कॉलम में चेक करेंगे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हमारी कॉस्ट की आ रही है, ठीक है। और लो दोबारा से, सेलेक्ट द रो और कॉलम विद द लार्जेस्ट पेनल्टी एंड अलोकेट एज मच एज पॉसिबल इन द सेल हैविंग द लीस्ट कॉस्ट, यानी कि सबसे छोटी जो कॉस्ट होगी हमें उसमें एलोकेशन देना होता है। एलोकेशन समझ रहे होंगे, जो हम लोग कल कर रहे थे सर्किल में, जो भी हम लोग वैल्यू एलोकेट लिख रहे थे उसको हम बोलते हैं एलोकेशन करना, एलोकेट करना, ठीक है ना। तो वही हम लोगों को एलोकेट करना है विद द लार्जेस्ट पेनल्टी टू द करस्पॉन्डिंग स्मॉलेस्ट कॉस्ट वैल्यू इन द रो और कॉलम, यानी कि जो रो या कॉलम किसी में भी आपकी सबसे छोटी कॉस्ट होगी हम लोग उसमें स्टार्टिंग में एलोकेशन देंगे। इसका रोल ट्रांसपोर्टेशन में, इस प्रॉब्लम में सिर्फ यही है, ठीक है। उसके बाद जब आप एलोकेशन दोगे तो पेनल्टी का उसमें कोई रोल नहीं है, पेनल्टी का रोल बस ये है कि आपको चूज करना है कि किस कॉस्ट को आपको एलोकेशन देना है, ठीक है। अब इसमें एक बार ये डाउट आ सकता है कई बार कि भाई पेनल्टी हमारी टाई हो गई, ठीक है, हमारे पास दो पेनल्टी की वैल्यू सेम आ गई, तो हम लोग जब भी कभी भी टाई होगा तो हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग मैक्सिमम एलोकेशन किस उसमें मिल पा रहा है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो वैल्यू आ गई 5 और 5, दोनों की पेनल्टी सेम आ गई, तो आप उसके अंदर करस्पॉन्डिंग जाके देखेंगे कि अंदर जाके आपको मैक्सिमम एलोकेशन कहाँ हो पा रहा है। अगर मैक्सिमम एलोकेशन भी आपका सेम हो पा रहा है तो आप चूज करेंगे कि सबसे छोटी कॉस्ट किस में, ठीक है। अगर उसमें भी टाई आ रहा है तो उसके बाद फिर कोई रूल नहीं है, आप रैंडमली किसी दोनों में से एक को एलोकेशन दे सकते हो। तो ये हो गया हमारा स्टेप टू। अब आते हैं स्टेप थ्री पे। अब जैसे ही आपने स्टेप टू कर लिया है, आपने रो डिफाइन कर लिया है कि हमारी सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है, आपने उसको फुलफिल भी कर लिया। नाउ एडजस्ट द सप्लाई एंड डिमांड क्रॉस आउट द सेटिस्फाइड रो। अब जैसे जैसे आपकी जो भी डिमांड, जो क्या बोलते हैं डिमांड सप्लाई है, वो सेटिस्फाई होती जाती है, उसको हम लोग क्रॉस आउट करते जाते हैं, यानी कि उसको हम एक हल्की लाइन से काट देंगे, जैसे हम लोग पहले भी काटते आ रहे थे, कि उसको दोबारा से गलती से हम लोग यूज ना करें, ठीक है।
ये बहुत ध्यान से करना है आपको कि जब भी जो भी हमारी डिमांड सप्लाई जीरो होती जाए उसको हमें बिल्कुल जीरो, मतलब जैसे जीरो हो जाएगी उसे हम काट देंगे बहुत हल्की लाइन से, ताकि हमें आगे याद रहे कि हम दोबारा उसे कहीं कैलकुलेशन में यूज ना कर लें। ठीक है, अब जैसे जैसे हमारी रो और कॉलम सेटिस्फाई होती जाएंगी हम लोग आगे क्वेश्चन में बढ़ते चले जाएंगे और एक स्टेज ऐसी आएगी जो हमारी सारी डिमांड सप्लाई जीरो हो जाती है। जैसे हमारी डिमांड सप्लाई जीरो हो जाएगी क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, अब जैसे आपने फर्स्ट स्टेप में कर लिया तो जैसे आपने एलोकेशन करने के बाद फिर से आपको वही पेनल्टी दोबारा भी करनी होती है कैलकुलेट। अब जहां पे आपकी जो भी डिमांड या कॉलम में जो भी वैल्यू आपकी जीरो हो गई है और जहां आपने लाइन खींच दी एक बार, तो उसकी हमें पेनल्टी दोबारा कैलकुलेट नहीं करनी, उस पर आप सिंपल सा एक छोटा सा डैश लगा दोगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है, थोड़ा सा याद करने में आपको लगेगा लेकिन जब क्वेश्चन करोगे तो आपको बहुत ईजी है, एक बार में क्वेश्चन आपका हो जाएगा। राइट, और फिर से बाद स्टेप फोर हमारा यही है कि रिपीट स्टेप फर्स्ट टू थर्ड, या आपको फर्स्ट से थर्ड तक पूरा स्टेप आपको रिपीट करने हैं जब तक आपकी पूरी डिमांड और सप्लाई जीरो ना हो जाए, यानी कि सेटिस्फाई ना हो जाए। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया 2 लाइन का, इसका 4 स्टेप का पूरा प्रोसीजर में दिमाग में रखना है। अब सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन हमारा वही कल वाला है। इसमें क्या दिया हुआ था, हमारे पास 3 सोर्स थे, जो लोग आज क्लास में नए हैं वो समझ लें, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेबल है। अब हमारे पास यहाँ पे 3 सोर्स हैं, S1, S2 और S3, और इन 3 सोर्स से हम लोगों को कोई भी प्रोडक्ट जो है वो 4 डेस्टिनेशन पे पहुँचाना है। ये लिखी हुई हमारी D1, D2, D3 और ये D4, ये हमारे पास 4 डेस्टिनेशन है और ये हमारे पास 3 सोर्स हैं। इनका कुछ भी नाम दे सकते हो आप, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिल्क प्लांट, ये कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, जो हमारा कुछ भी रॉ प्रोडक्ट हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है, रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट कुछ भी हो सकता है ये, और पहुंचाना कहाँ पे, इस वेयर हाउस में। अब जो यहाँ पे लिखी हुई है वैल्यूज, इसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट मैट्रिक्स, यानी कि ये जो आपको दिख रही है मैट्रिक्स, इसमें जो भी वैल्यू लिखी हुई है ये आपकी कॉस्ट है एक ट्रांसपोर्ट करने की। जैसे मान लीजिए अगर आप S1 से D1 पे कुछ कोई प्रोडक्ट ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो उसके 1 यूनिट की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो आपकी यहाँ पे 2 रुपीज दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर यहाँ पे 1 यूनिट ट्रांसपोर्ट की तो जो मेरी वैल्यू आएगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की वो आएगी 2 × 1 यानी कि 2 रुपीज। ये जो बच्चे कल नहीं आए थे उनके मैंने रिपीट किया। अब हम लोग इसमें अवेयर में क्या करते हैं वो समझ लीजिए आप लोग। इसी और यहाँ पे जो आपको ये रेड कलर में दिख रहा है ये मैक्सिमम कैपेसिटीज हैं, यानी कि जो हमारा सोर्स वन है S1 है, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है यहाँ पे 6 दिख रही है। S2 की कैपेसिटी कितनी है 1, S3 की 10, D1 की जो हमारा वेयर हाउस है उसकी कुछ कैपेसिटी होगी तो उसकी यहाँ पे लिखी हुई है 7, D2 की 5, D3 की 3 और D4 की 2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था वही सेम क्वेश्चन लिया है मैंने, ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बिल्कुल पहले स्टेप से। पहला स्टेप क्या था हमारा, टू फाइंड आउट द पेनल्टीज। हम लोग स्टार्ट करेंगे, चाहे हम लोग रॉ से करें या कॉलम से करें कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग स्टार्ट करेंगे एक तरफ से। अब देखो जो हमारी फर्स्ट रो है S1, इसमें सबसे छोटी कॉस्ट क्या दिख रही है आपको, छोटी कॉस्ट दिख रही है हमारी 2 और उससे बड़ी कॉस्ट क्या है 3, तो उनका डिफरेंस क्या आ जाएगा 3 − 2, यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 1। ठीक, ऐसे हम लोग अगले उसमें आ जाएंगे। अब सबसे छोटी कॉस्ट इसमें क्या है, कई बुक्स में क्या करते हैं हम लोग जीरो को काउंट नहीं करते, बट हम लोग काउंट करेंगे। ठीक है, यहाँ भी एक क्वेश्चन उठ सकता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दोनों सेम वैल्यू आ गई, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 ना होकर कुछ और होता तो हमारी इस मोस्ट वैल्यूज क्या होती है, सबसे छोटी वैल्यू होती है हमारी 1, एक 1 ये है एक 1 ये है। जैसे कल एक बच्चे ने पूछा था यहाँ पे कुछ वैल्यू हमारी हो जाती है, मान लीजिए यहाँ पे 6 आ जाती है, ठीक है, तो छोटी वैल्यू हमारी क्या बनेगी 1 बनेगी। अब हमारे पास 2 1 आ गए, यहाँ पे टाई हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल इसको 0 कर देंगे, 1 − 1 यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे नहीं है तो हम लोग लिखेंगे इसको एज इट इज। अब हमारी छोटी कॉस्ट इसमें क्या दिख रही है 0, उससे बड़ी कॉस्ट क्या है 1, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा वैल्यू, क्या आ जाएगा हमारी 1 − 0 1। अब आ जाते हैं थर्ड रो में, थर्ड रो में सबसे छोटी वैल्यू हमारी क्या है, वो है हमारी 5 और उससे बड़ी कॉस्ट क्या है 8, 8 − 5 ये हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, इस पेनल्टी को निकालने में कोई दिक्कत आ रही है सर हमारा, कैसे कर रहा हूँ? यस सर, अगर कहीं किसी स्टेप में कोई दिक्कत है तुरंत पूछ लेना हाथ के हाथ। ठीक है भाई, अब जैसे मैंने ये फर्स्ट रो वाइज मैंने सारी पेनल्टी निकाल ली है, ऐसे ही मैं निकालूंगा आप कॉलम वाइज पेनल्टी।
ठीक है, बिल्कुल सेम प्रोसीजर वही है, सबसे छोटी वैल्यू और उससे बड़ी वैल्यू का डिफरेंस। यानी कि सबसे छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास है, वन, उससे बड़ी क्या है, टू। तो यानी टू माइनस वन, वन। छोटी वैल्यू क्या है हमारी, जीरो, उससे बड़ी वैल्यू क्या है, थ्री। तो थ्री माइनस जीरो, थ्री। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आ जाइए, सिक्स, उससे बड़ी कॉस्ट क्या दिख रही है आपको, सिक्स से बड़ी हमारे पास है इलेवन। तो इलेवन माइनस सिक्स कितना हो जाएगा, फाइव। लास्ट कॉलम में आ जाओ, सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है हमारे पास, वन, उससे बड़ी वैल्यू क्या है, सेवन और नाइन, सेवन। गुड, सेवन 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 तो सेवन माइनस वन कितना हो जाएगा, सिक्स। यानी कि आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, आपने हर रो और हर कॉलम की एक एक पेनल्टी निकाल दी। हमारे अगला स्टेप क्या था, इन जो भी हमने पेनल्टी निकाली है, इनमें से सबसे बड़ी पेनल्टी को हमें चूज करना है। ठीक है, हमारे पास है वन वन थ्री, वन थ्री फाइव सिक्स। आपको दिख रहा है आराम से कि सबसे जो बड़ी वैल्यू है हमारी, वो हमारी है यहाँ पे सिक्स। तो हम लोग सिक्स के आगे एक एरो बनाएंगे इस तरह से, ताकि हमें ध्यान रहे हम लोग कौन सा कॉलम चूज कर रहे हैं। तो जैसे आप एरो बनाएंगे, तो अब जो आपको देखना है वो इस कॉलम में देखना है कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको। ठीक है, इस पेनल्टी का रोल बस यहीं तक था कि आपको सबसे छोटी वैल्यू निकाल के दिखा देगा। उसके बाद क्या करना है आपको, इस सबसे छोटी वैल्यू में आपको एलोकेशन देना है, राइट। यानी जो हम लोग अभी तक चार मेथड हम लोग अप्लाई किए थे कल, वही सेम प्रोसीजर है, उसी को हम लोगों को फॉलो करना है, कि जिससे हम लोग करते थे एलोकेशन, डिमांड और सप्लाई देख के। ठीक है भाई, तो इस कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है हम लोगों को, वन। अब वन पे देखो हमारी डिमांड कितनी आ रही है, टू की, सप्लाई कितना है, वन। तो हम लोग कितना देंगे इस पर एलोकेशन, बताइए। वन वन, अगर किसी के दिमाग में टू आ रहा हो तो पूछ लो अभी, यहाँ पे टू क्यों नहीं आ रहा, तो क्लियर है ना। गुड, तो हम लोग यहाँ पे जैसे हमने देख लिया कि हमारे पास टू डिमांड थी, सप्लाई वन है, क्योंकि हमारे पास मैक्सिमम सप्लाई वन ही आ रही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वन ही प्रोवाइड करा पाएंगे। ठीक है, तो जैसे हम लोग वन देंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे जीरो, और यहाँ बचेगा हमारे पास टू माइनस वन, वन। अब मैंने क्या बताया आपको, जैसे ही हमारी कोई भी डिमांड सप्लाई जीरो होती है, उस पर हम लोग एक हल्की सी एक लाइन खींच देंगे, ताकि हमें याद रहे कि हमें इसको दोबारा यूज नहीं करना है। और हाथ के हाथ हम लोग जो पेनल्टी निकालते हैं, वहां लगा देंगे एक छोटा सा डैश। ठीक है, कि हम लोग अब इसकी पेनल्टी हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। रीजन ये है कि ये ऑलरेडी हमारी सेटिस्फाई हो चुकी है, अब हम लोग क्वेश्चन में इसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है भाई, तो हमारा ये पहला स्टेप खत्म हो गया। हम लोग अब आते हैं अगले स्टेप पे, यानी कि हमें निकालनी है अब पी टू, यानी कि सेकेंड पेनल्टी। अब फिर से वही हम लोग काम करेंगे, रो वाइज कॉलम वाइज जाएंगे, छोटी कॉस्ट और उससे बड़ी कॉस्ट का डिफरेंस निकालेंगे। करते हैं भाई, फर्स्ट रो में आ जाओ, छोटी कॉस्ट अभी हमारी टू ही है, उससे बड़ी कॉस्ट थ्री है, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, थ्री माइनस टू, वन। अब चूंकि यहाँ पे डैश लगा है, तो हमें इसकी पेनल्टी कैलकुलेट नहीं करनी। थर्ड रो में आ जाइए, तो छोटी वैल्यू क्या है हमारे पास है, फाइव, उससे बड़ी कॉस्ट अभी हमारी एट है, तो ये हमारा रहेगा सेम डिफरेंस, सिक्स। ठीक है, और जब भी आप लोग क्वेश्चन कभी एग्जाम में अटेंड करो, तो थोड़ा सा स्पेस रखो कि जैसे आपकी ये पेनल्टी बढ़ती जाएंगी। तो मुझे पता है कि तीन स्टेप में हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, तो मैंने तीन पहले से बना के रखी है। जब आप क्वेश्चन एग्जाम में ट्राई करोगे, तो थोड़ा सा पेज पे स्पेस रखना, कि आपको पता नहीं होगा कि दो तीन चार कितने स्टेप जाएंगे, तो थोड़ा आपको यहाँ पे स्पेस रखना होता है। जब भी आप टेबल ड्रॉ करो, तो थोड़ा ध्यान रखो कि आपका क्वेश्चन पूरा एक ही पेज पे विजुअल हो जाए, ऐसा ना हो कि आपकी दो पेनल्टी यहाँ पे आ रही है, ये चले जाए अगले पेज पे, तो वो विजुअल नहीं होगी, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने ये लाइन खींच दी है, आपको बहुत हल्के से लाइन ड्रॉ करनी है, ताकि क्वेश्चन आपका विजुअल रहे, ऐसा ना हो कि पूरा आप काट पीट दो, एग्जाम में चेक करना है उसको, आपको दिखाई ना पड़े, ऐसा नहीं करना। ठीक है भाई, तो ये हो गया हमारा टू। हम लोग आते हैं कॉलम वाइज। अब देखो, जो हमारा पहला था यहाँ पे छोटी छोटी वैल्यू वन थी, वो उस पर लाइन आ चुकी है, यानी कि वो हमारी अब यूज नहीं होगी। हम तो लोग क्या करेंगे, अब इससे बड़ी कॉस्ट क्या दिख रही है मेरे को, टू दिख रही है, और टू से बड़ी कॉस्ट क्या दिख रही है, फाइव। तो यानी कि हम जो मैं डिफरेंस लूंगा, वो लूंगा आप टू और फाइव का, कितना हो जाएगा, फाइव माइनस टू, थ्री, राइट। इसके बाद अगले कॉलम में आ जाओ, हमारी क्या वैल्यू दिख रही है, थ्री और एट। अब यहाँ इसको मुझे छेड़ने नहीं, मैंने लाइन इसलिए ड्रॉ कर दी ताकि मुझे याद रहे इसको मुझे यूज करना नहीं है। एट माइनस थ्री, फाइव। उसके बाद
11 माइनस 15 कितना होगा? फोर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा 9 माइनस 7 2। बल्कि मैं तो कहूंगा आप लोग साथ में हाथ कट करते रहा करो ताकि अगर कहीं मुझसे गलती हो जाए तो आप लोग चेक कर सको। ठीक है भाई, तो ये आपका हो गया है स्टेप टू। अब आप देखो आपके पास जो पेनल्टी आ गई है 1, 3, 3, 5, 4, 2। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी दिख रही है आपको इसमें? बिगेस्ट पेनल्टी दिख रही है आपको 5। तो 5 के पास एक छोटा सा एरो बना दो ताकि आपको याद रहे कि इसमें आपने इसको चूज किया है। जैसे आपने इसको 5 बनाया, अब देखो इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? आपके पास दो ऑप्शन है 8 और 3। जाहिर सी बात है 3 छोटा है, हम लोग 3 को एलोकेशन देंगे। अब देखो 3 पे हमारी डिमांड कितनी आ रही है? डिमांड आ रही है हमारे पास 5 की, और सप्लाई कितनी आ रही है? 6 की। तो हम कितना करेंगे एलोकेट यहां पर, बोलो भाई? 5 5। बस एक ही तो बच्चे पढ़ रहे हैं क्लास, मुझे लग रहा है बाकी सब तो बस ज्वाइन करके बैठ गए। 5 जैसे करेंगे तो यहां हो जाएगा हमारा 0, और यहां पे हमारा 6 था, तो 6 माइनस 5 कितना बचेगा? 1। जैसे हमारा ये 1 हो गया, हम लोग क्या करेंगे इस 5 के ऊपर एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमें इसको दोबारा यूज नहीं करना। ठीक है, बहुत एक हल्की सी लाइन ड्रॉ खींच दो ताकि हमें रिमेंबर रहे कि इसको हमें यूज नहीं करना है। और तुरंत हाथ के हाथ जहां पे हमारी पेनल्टी निकलती है उसके आगे एक छोटा सा डैश खींच दो ताकि हमें इसमें भी दिक्कत ना आए। ठीक है भाई, तो हमारे 2 स्टेप हो चुके हैं। अब आते हैं हम लोग थर्ड स्टेप, यानी कि हम लोग को फिर से वही निकालनी पेनल्टी थर्ड स्टेप में। अब देखो हमारा फर्स्ट रो में जो हम लोग निकालेंगे डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 2 और इससे बड़ी कॉस्ट क्या दिख रही है? 2 से बड़ी दिख रही है हम लोग को 7। तो ये आ जाएगा 7 माइनस 2 विच इज 5। यहाँ पे डैश ऑलरेडी था तो इसमें हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे। अब आ जाएगा इसमें थर्ड रो में 5 और 9, डिफरेंस क्या आ जाएगा? 4। ठीक है, अब आ जाओ कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम D1 का देखो डिफरेंस क्या आ रहा है, सबसे छोटी कॉस्ट क्या दिख रही है आपको? 2, और उससे बड़ी कॉस्ट क्या दिख रही है? 5, यानी कि 5 माइनस 2 3। यहाँ चूंकि डैश लगा हुआ है तो इसे हम लोगों को कैलकुलेट नहीं करना है। अब इससे छोटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 11, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है? 15, तो 15 माइनस 11 4 रहेगा। यहाँ पे देखिए 9 माइनस 7 कितना हो जाएगा? 2 2। ये आ जाएगा यहाँ पे 2, यानी कि अब इस स्टेप के बाद आपके पास पेनल्टीज आ चुकी है। आपको चूज करनी है सबसे बड़ी पेनल्टी। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी दिख रही है आपको? 3, 4, 2 और 4, 5 में से 5 इज द बिगेस्ट पेनल्टी। तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे। ठीक है भाई, अब देखो जैसे आपने चूज किया इस पेनल्टी का रोल खत्म हो गया। अब इसे कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में, हमें सिर्फ ये देखना था कि हमें किस कॉलम या रो में जाना होता है। अब इस रो में देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको? स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है? स्मॉलेस्ट वैल्यू आपकी दिख रही है 2। तो हम लोग एलोकेशन देंगे 2 के ऊपर देंगे एलोकेशन। अब देखो 2 पे हमारा कितना आ रहा है डिमांड? 7 की है सप्लाई, लेकिन सिर्फ 1 की है। तो मैक्सिमम एलोकेशन कितना हो पाएगा यहाँ पर? 1। जो हम लोग सर्किल में देते हैं इसे बोलते हैं एलोकेशन। वेरी गुड शुगर। ठीक है, जैसे हमने 1 किया यहाँ पे, ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 0, और ये बचेगा हमारा यहाँ पर 6। ठीक है भाई, अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पे 0 किया तो हमारी ये रो भी फिनिश्ड हो गई। अब इसके बाद देखो हम लोग क्या करते हैं, जैसे हमारे पास अब अगली स्टेप के लिए हमारे पास कोई भी रो नहीं बची है, हमारे पास सिर्फ सिंगल एक ही रो है, तो हमारी यहाँ पेनल्टी निकल पाएगी? पेनल्टी नहीं निकल पाएगी। ठीक है ना, तो हम लोगों के पास अब सिर्फ एक ही रो बच गई है, तो इसमें डायरेक्टली हम लोग एक तरफ से जो सबसे छोटी वैल्यू है उसमें एलोकेशन देंगे। ठीक है, अब देखो 5 पे कितना बचा हुआ यहाँ पे? 5 बचा हुआ हमारे पास, डिमांड 6 है सप्लाई 10 है। ठीक है ना, अब पेनल्टी क्यों नहीं निकाला है? पेनल्टी निकालने के लिए हमारे पास कोई दूसरी रो बची ही नहीं है, हमारे पास 3 रो थी, 2 खत्म हो चुकी है, तो हम लोग यहाँ पेनल्टी नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए हम लोग डायरेक्ट अब जो हमारे पास बचे एलोकेशन है उनको मैनुअली कर देंगे फटाफट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी डिमांड है? 6 है, सप्लाई कितनी है? 10, तो हम लोग 6 देंगे यहाँ पर। 6 किया, यहाँ पे 0 हो गया, कितना बचेगा यहाँ पे? यहाँ बचेगा हमारे पास 4। यही हुआ, ये कॉलम खत्म। उसके बाद अगला कितना हमारे पास? ये भी खत्म है। अब आ जाते हैं इससे बड़ी कॉस्ट कितनी गिरी हमारे पास? 9।
9 पे कितनी डिमांड आ रही है, 1 की, सप्लाई कितनी है 4 की, तो 1 देंगे एलोकेशन यहां पर, यहां पे 0 करेंगे, यहां बचेगा हमारे पास 3, ठीक है। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, 15 डिमांड कितनी है 3 की, सप्लाई कितनी है 3 की, तुरंत देंगे एलोकेशन, यहां भी 0 और यहां भी 0। जैसे ही आपकी सारी डिमांड और सप्लाई 0 हो जाती है, इसका मतलब क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है, यानी अभी तक आपने जितने स्टेप किए हैं बिल्कुल एक्यूरेट हैं, कहीं क्वेश्चन गलत नहीं है आपका, ठीक है भाई। तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड आउट टोटल कॉस्ट, ये मैंने बताया था कल आपको। अब इसको निकालने के लिए क्या करना है आपको, जहां जहां आपने एलोकेशन कर रखा है उसको उससे मल्टीप्लाई करना है, जो भी कॉस्ट उसके करस्पॉन्डिंग लिखी हुई है। जैसे आप देखो सेल 1 में हमने 1 एलोकेशन दिया है, कॉस्ट कितनी है 2, तुम लोग लिखेंगे यहाँ पे 2 × 1, ठीक है। ऐसे ही अगले में क्या लिखेंगे, 3 × 5, तो लिख देंगे यहाँ पे 3 × 5। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, 1 × 1, ये हो जाएगा 1 × 1 प्लस 5 × 6, 5 × 6 प्लस 15 × 3, 15 × 3 और उसके बाद 9 × 1, इसकी वैल्यू तो बेटा कितनी आ रही है सर, 102। 102, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 102। अब मैंने आपको शुरू में रिमाइंड कराया था, ये जो 102 वैल्यू आ रही है सबसे कम वैल्यू आ रही है, कैसे देखो, यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ वेस्ट था उसमें हमारी वैल्यू आई थी 116, ठीक है। उसके बाद हमारा जो रो मेथड है उसमें हमारी कॉस्ट आई थी 112 आई थी, कॉलम में आई थी हमारी 116, एलसीएम में हमारी मेथड जो एलसीएम था लीस्ट कॉस्ट मेथड इसमें हमारी आई थी 112, यानी कि जो हमारा ये वाला मेथड है ये सबसे ऑप्टिमम आंसर दे रहा है 102, ठीक है। तो अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछे कि आपको सिंपल क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आप हमेशा वैम से ट्राई करो, तो वैम जो है आपको हमेशा आपका सबसे बेस्ट आंसर देगा, राइट। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया आपका वैम से, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अगर इस पे कहीं कोई डाउट हो मुझसे पूछो, दोबारा रिपीट करना है इसको, आ गया सर, आ गया। चलो अभी क्लास में एक क्विज आया होगा, अभी सर कर दिया, कर दिया, देखते हैं मैं कितने बच्चों ने कर दिया, सिर्फ 2 लोगों ने किया है भाई अभी, बाकी लोग करो भाई फटाफट। 24 तोमर, विपुल राणा, सिर्फ 2 लोगों ने दिया है, बहुत छोटा क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, बस पढ़ के टिक करना है आपको। जिन लोगों ने कल की क्लास करी है वो क्विज कर पाएंगे आराम से। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इन ए ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम आइटम्स आर एलोकेटेड फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन एट मैक्सिमम कॉस्ट मिनिमम प्रॉफिट मिनिमम रेवेन्यू। ये क्वेश्चन की पहली लाइन थी जो मैंने कल बताया था जब उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में हम लोग क्या करते हैं। एक दो तीन, तीन तीन छः, 6 लोगों ने, 7 लोगों ने रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जिनका हो जाए वो करते आ जाए आगे, जिनका नहीं किया है वो लोग अभी क्वेश्चन को ट्राई कर लें, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा एक। अब एक अगला क्वेश्चन जो है मैं दे रहा हूँ आपको,
ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको ट्राई करना है इसको अपने आप पहले किसी और मेथड से, ठीक है। जिन लोगों को कुछ हो गया है वो लोग फटाफट क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने ये वाला, ठीक है। तीन सोर्सेस हैं, S1, S2, S3। चार सेम डेस्टिनेशन हमारे पास हैं, D1, D2, D3, D4। पहली कॉस्ट हमारे पास 19, 30, 50, 10, 70, 30, 40, 60, 48, 70 और 20। जो S1 की कैपेसिटी है वो हमारे पास 7 है, S2 कैपेसिटी मैक्सिमम 10 है, S3 की कैपेसिटी 12 है, D1 की जो कैपेसिटी है वो हमारे पास 5, D2 की है 8 और D3 की है 7, D4 की है 14। तो इसको आपको सॉल्व करना है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से पहले, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको वैम से, तुम्हें समझ आएगा कितना डिफरेंस आ रहा अनबैलेंस्ड है ना। है। हाँ, ये सबसे पहला स्टेप है, ये जो मैंने आपको बताया ये आपको हमेशा देखना होता है, ठीक है। लिखा था बैलेंस प्रॉब्लम, आपको हमेशा चेक करना है कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है या नहीं। बैलेंस का मतलब ये होता है कि जो आपकी डिमांड और सप्लाई है दोनों बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो हम लोगों को एक डमी रो या डमी मतलब एक कॉलम आपको ऐड करना पड़ता है, ठीक है। उसमें डमी सोर्स या डमी डेस्टिनेशन बोलते हैं, और उसके अंदर जब हम लोग कॉस्ट लिखेंगे वो लिख देंगे 0 0 0, चाहे अगर हम रो ऐड करें या कॉलम ऐड करें, राइट। तो पहला स्टेप हमारा होता है कि हम लोग चेक करें कि प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड है या नहीं है। ये आपको दिख रही है कि प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड है, सम कर लो 8 5 12, 12 7 19, 19 14 34, बिल्कुल प्रॉब्लम आपकी बैलेंस्ड है। तो इसको मैंने आपको सॉल्व करो फटाफट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से, फिर कराते हैं इसको हम लोग वैम से। जिसका आंसर आ जाए मुझे व्हाट्सएप कर दे। व्हाट्सएप पर्सनल करना, ग्रुप पे मत करना, ठीक है। जो लोग क्लास में नहीं थे वो देख ले, नॉर्थ वेस्ट मेथड क्या होता है कि इस मैट्रिक्स का जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है। कितने बच्चे हैं जो आज क्लास में जो कल नहीं थे? अच्छा, जो लोग कल नहीं थे चैट बॉक्स में लिख के यस टैग करो, जो लोग कल क्लास में नहीं थे। साठ तक, इसके अलावा और कोई? अभिषेक गोयल, ठीक है। और भी होंगे? शुभेंदु, शुभम, शिवा, जो सब लोग कल थे, ठीक है। तो जो लोग कल नहीं थे वो देख लो एक बार यहाँ पर, तो वो क्या करते हैं। मैंने चार मेथड बताए थे, चार में से मैं एक रिवाइज कर रहा हूँ, एक मैं कल रिवाइज करूंगा, ठीक है ना। तो देख लो जो पहला मेथड हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, NWCM, ठीक है, NWCM, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारी कॉस मैट्रिक्स है, जो आपको ये दिख रही है, इसमें जो हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर होता है, ठीक है, इस अपर लेफ्ट कॉर्नर को हम लोग पकड़ के चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देते हैं एलोकेशन इसी को, अपर लेफ्ट कॉर्नर, ठीक है, बाकी से मतलब नहीं हमें। तो इस मैट्रिक्स का जो हमारा अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो क्या है, 19 है। अब 19 में हमारी डिमांड कितनी आ रही है, 5 की। सप्लाई कितनी है, 7 की। बाकी लोग बेटा ट्राई करो, मुझे भेजो व्हाट्सएप पे करके, ठीक है ना। मैं जो लोग नहीं उनको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे डिमांड कितनी हमारी है, 5 की। हम लोग सप्लाई कितना देंगे, 7 की। तो मैक्सिमम जो एलोकेशन होगा वो कितना रखते हैं यहाँ पे, मैक्सिमम 5, क्योंकि जो कैपेसिटी हमारी D1 की है वो 5 है। जैसे आप 5 दोगे ये हो जाएगा हमारा 0, और ये कितना बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2। और जैसे हमारा ये 0 हो गया, हम लोग इसको हल्के से बिल्कुल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ताकि हम इसे अगले क्वेश्चन में अगले स्टेप में यूज ना करें, ठीक है। जैसे हमने इसको कट किया, मतलब बची मैट्रिक्स कितनी, रिमेनिंग मैट्रिक्स हमारी ये रह गई। अब जो रिमेनिंग मैट्रिक्स है इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा बचा, ये वाला बचा। तो अब 30 पे देखेंगे हमारी डिमांड कितनी है, 30 पे हमारी जो डिमांड है वो हमारी 8 आ रही है, सप्लाई कितनी आ रही है, 2। तो कितना देंगे हम लोग एलोकेशन यहाँ पर, 2, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिया, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 8 माइनस 2, 6।
ठीक है, जैसे यहाँ पे जीरो हुआ, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे ताकि ये आगे यूज ना करे, कट। अब जो बची मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली, इस बची मैट्रिक्स का अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है, 30, ये वाला। तो इस 30 पे देखो डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड 6 की आ रही है, सप्लाई हमारी आ रही है 10 की। तो कितना एलोकेट करेंगे, 6 करेंगे एलोकेट यहाँ पर, 6। जैसे आप एलोकेट करोगे ये हो जाएगा यहाँ पर जीरो, यहाँ कितना बचेगा, 4। ठीक है भाई अभिषेक। उसके बाद जैसे ही आपका ये जीरो हो गया, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करनी है आपको यहाँ पे, ताकि ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। अब जो बची मैट्रिक्स वो आपकी बची ये वाली, ठीक है। अब इस बची मैट्रिक्स का जो अपर लेफ्ट कॉर्नर है वो कौन सा है, ये वाला है 40। तो इस 40 पे देखो डिमांड कितनी आ रही है, 7। सप्लाई कितनी बची, 4। यहाँ पे हम लोग कितना दे पाएंगे, मैक्सिमम 4 दे पाएंगे। 4 देते ही ये हो जाएगा आपका जीरो, यहाँ कितना बचेगा, 3। सर बैलेंस नहीं है ये, ये क्वेश्चन आपका बैलेंस नहीं है। वही तो कह रहा था सर मैं, सप्लाई तो हाँ 29 24 है। तो ये क्वेश्चन आपका बैलेंस नहीं है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो कमी कहाँ पे आ रही थी हमारे पास, 12, 10, 22, 22 और 7, 27, और ये कितना था, 34। यहाँ पे यानी कि ये हमारी एक रो की कमी है। एक मिनट जो मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ, सात, नौ, 18। यहाँ पे 18 आएगा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, जो मैंने यहाँ 12 लिखा हुआ है यहाँ पे 18 आ जाएगा, तो टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 18, मैं दोबारा से कर दे रहा हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 7, 9, 18, 7, और यहाँ पे आपका जाएगा 9। यहाँ आ जाएगा आपका 9 और यहाँ आ जाएगा आपका 18। ठीक है, अब देखो अब बैलेंस है, 18, 7, 25, 25 में यस सर, 34। ठीक है, अब हो गया बैलेंस। अब थोड़ा मैं जल्दी से करूँगा, ठीक है, थोड़ा मैं जल्दी से करूँगा, ध्यान देना इस पे। और सॉल्व में इसको नॉर्थ वेस्ट से ही कर रहा हूँ, ठीक है। तो जो हमारा ये फर्स्ट जो एलिमेंट था वो कितना था हमारा, 19। डिमांड कितनी है यहाँ पे, 5। सप्लाई 7, तो हम लोग यहाँ पे देंगे 5। ये हो जाएगा हमारा 0, यहाँ बचेगा हमारे पास 2। ठीक, ये खत्म हुआ। रिमेनिंग मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली है, इसका अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है, 30। एक बार चेक कर लो नीचे भी सेम है या नहीं, 5, 8, 7, 14। ठीक है, आप सही। हाँ, अब जो हमारे पास रिमेनिंग मैट्रिक्स है वो क्या है हमारे पास, बची ये वाली, इसका देखो कौन सा अपर लेफ्ट कॉर्नर है, 30। 30 पे डिमांड कितनी आ रही है, 8 की, सप्लाई है 2 की, तो हम लोग 2 देंगे यहाँ पर, 2 दिया यहाँ पर। यहाँ पे बचा हमारे पास 6 और यहाँ बचेगा हमारे पास 0। ठीक है भाई, जैसे हमारे पास 0 हुआ, स्टार्ट देंगे, नाउ दिस इज द रिमेनिंग मैट्रिक्स। अब इस बची मैट्रिक्स का देख चेक करेंगे हम लोग, हमारे पास क्या है, अपर लेफ्ट कॉर्नर 30। अब 30 पर डिमांड कितनी आ रही है, 6 की, सप्लाई कितनी है, 9 की, तो 6 देंगे यहाँ पर। 6 देते ही हमारा यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा हमारे पास 3। ठीक है भाई, 0 हुआ, इसको हल्का सा काट दो ताकि आपको दिक्कत ना हो आगे। अब जो बची मैट्रिक्स हमारे पास ये वाली, ठीक है, इसमें अपर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा है, 40। डिमांड कितनी है, 3। सप्लाई कितनी है, 7। हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा 0, यहाँ बचेगा 4। जैसे 0 हुआ, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दो ताकि आपको याद रहे कि इसमें हमें नहीं करना है। अब जो बचे हमारे पास मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सिर्फ एक रो बची हुई है, 70 और 30। तो देखो 70 पे हमारी कितनी डिमांड आ रही है, 4। सप्लाई कितनी है, 18। तो लोग तुरंत देंगे यहाँ पर
फोर को प्रोवाइड कराएंगे एलोकेशन और ये हो जाएगा जीरो, यहाँ बचेगा हमारे पास 40। ठीक है, अब देखो इसके बाद लास्ट जो हमारा बचा एलिमेंट 20 है, डिमांड कितनी है 40, सप्लाई कितनी है 40, 14 देंगे यहाँ पर, ये लोकेशन दिया, ये जीरो हो गया और ये भी हमारा जीरो हो गया। अब उसके बाद जो हमारा टोटल कॉस्ट है वो कैसे आती है, जहाँ जहाँ दोनों ने एलोकेशन दिया हुआ है उस एलोकेशन से उस कॉस्ट को मल्टीप्लाई करो, बताइए भाई कितना आंसर आ रहा है। बताओ भाई सर 915 नाइन फिफ्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन 15 15 सर। अच्छा चलो भाई और भी बताओ कोई, ये तो एक का आया 90 × 5 प्लस ऐसे करना है आपको, जहाँ जहाँ मैंने एलोकेशन कर रखा है उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 30 × 2 सर 1015 1015 लो भाई, दो आंसर आ गए एक कैलकुलेशन के। चलो मैं लिख रहा हूँ सॉल्व करो, ठीक है। उसके बाद 30 × 6 प्लस 40 × 3 जहां जहां एलोकेशन है सिर्फ उसको ही मल्टीप्लाई करना है भाई, उसके अलावा मत करना कहीं पे, प्लस 70 × 4 प्लस 20 × 14 इसको सॉल्व करके बताओ इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ना तो ये आएगी ना ही ये आएगी, दोनों गलत, बताओ भाई। सर 1015 ही आ रही है। एक हजार पंद्रह आ रही है बेटे, ये वैल्यू आएगी 779 आएगी वैल्यू, तो ये चेंज है क्वेश्चन थोड़ा। अच्छा ओके ओके, ये तो वैम से आएगी, ठीक है, ये इसके तो आपकी यही आई वैल्यू, ठीक है, वो तो जब हम लोग वैम से करेंगे तब क्वेश्चन आपकी वैल्यू वाली आएगी, अभी आपकी वैल्यू यही आएगी, ठीक है ठीक है ओके। तो जो आपका ये वाला आंसर है ये सही है फॉर नॉर्थ वेस्ट कॉलम मेथड, ठीक है। अब आपके पास एक सोल्यूशन आ चुका है नॉर्थ वेस्ट मेथड से 1015, ये आपका आंसर आ गया नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से। अब हम उसको सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ वैम मेथड। नॉर्थ वेस्ट आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा, जो बच्चे भी कल नहीं आए थे, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वैम से, ठीक है भाई। तो वैम से करने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होता है, टू फाइंड आउट द पेनल्टीज, आप लोग भी पैरल करते रहिएगा साथ में ताकि आपको दिखता रहे। अब सबसे जो फर्स्ट रो है उसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, फर्स्ट एलिमेंट इज 10 और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 19, दोनों डिफरेंस क्या आ जाएगा यहाँ पे 9। ऐसे हमारी सेकेंड रो में आ जाइए, सबसे छोटी वैल्यू क्या है 30, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 40, डिफरेंस क्या आ जाएगा इसका 10। थर्ड रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 8, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 20, डिफरेंस क्या आ जाएगा 12। तो ये हो गया हमारा रो वाइज पेनल्टी, ऐसे निकालनी है हमें कॉलम वाइज पेनल्टी, ठीक है। तो कॉलम वाइज पेनल्टी में देखेंगे हम लोग, इस कॉलम फर्स्ट कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है हम लोगों को 19, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 40, तो 40 माइनस 21 कितना हो जाएगा 19, कितना आएगा 21, ठीक है भाई। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो हमारा है 8 और 30, इसमें आ जाएगा हमारी पेनल्टी 30 − 8 = 22, ठीक। फिर थर्ड कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या दिख रही है आपको 40 और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 50, तो 50 − 40 = 10, ये हो जाएगा आपका 10। उसके बाद
स्मॉलेस्ट वैल्यू इज 10, उससे बड़ी वैल्यू क्या है 20, तो डिफरेंस आ जाएगा हमारे पास 10। ठीक है, तो ये जैसे आपने फर्स्ट स्टेप कर लिया, उसमें चेक करो कि सबसे जो बड़ी पेनल्टी है वो कौन सी है, 22, 22, 21, 22, 10, 10, 12, 10 एंड 19, सबसे बड़ी जो हमारे पास है वो है 22। तो बस अब हमें चूज कर लिया कि 22 में हमें जाना है सबसे छोटी कॉस्ट के अंदर। तो हमारे पास तीन कॉस्ट है, 30, 30 और 8। छोटी कॉस्ट क्या दिख रही है आपको, 8, तो हम लोग देंगे 8 को देंगे एलोकेशन। अब देखो 8 पे डिमांड कितनी आ रही है, डिमांड हमारी आ रही है 8 की, सप्लाई आ रही है 18 की, तो हम लोग कितना देंगे यहाँ पर मैक्सिमम एलोकेशन 8। 8 दिया, यहाँ कर दिया 0, ये हो गया 0, यहाँ बचेगा हमारे पास 10। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पे 0 हुआ, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर दो ताकि आपको याद रहे, इसे हमें यूज नहीं करना है, और यहाँ पे लगा दो एक छोटा सा डैश ताकि हम लोग पेनल्टी में भी इसको यूज ना करें। ठीक है, अब उसके बाद निकालते हैं हम लोग P2 निकालेंगे। P2 कैसे निकालेंगे, वही सेम स्टेप है, फर्स्ट रो में आ जाओ, तो छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको 10, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 19, तो डिफरेंस हमारा क्या रहेगा यहाँ पे 9। अब सेकेंड रो में देख लो, तो छोटी वैल्यू क्या है आपके सामने, अब हो गई है 40, पहले 30 थी अब हो गई है 40, 40 और उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है आपके सामने 60, तो 60 माइनस 40 ये हो जाएगा आपके सामने डिफरेंस 20। अब आ जाओ थर्ड रो में, पहले हमारे पास 8 था, चूंकि अब 8 पूरा क्रॉस ऑफ हो चुका है, तो अब देखेंगे हम लोग उससे बड़ी वैल्यू, उससे बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है हमें 20, 20 से बड़ी वैल्यू क्या है 40, तो 40 माइनस 20 ये भी हो जाएगा हमारे सामने 20। ठीक, तुमने रो वाइज कर लिया, अब करते हैं कॉलम वाइज। फर्स्ट कॉलम में देखो स्मॉलेस्ट कॉस्ट क्या है 19, और उससे बड़ी कॉस्ट क्या है 40, तो ये हमारा 21 का 21 ही रहेगा सेम। यहाँ पे डैश लगा हुआ है तो हमें इसे यूज नहीं करना। अब आ जाओ इस वाले में, स्मॉलेस्ट 40 है, उससे बड़ी है 50, तो यानी कि ये हमारा 10 का 10 ही रहेगा। फोर्थ कॉलम में आ जाओ, स्मॉलेस्ट 10, उससे बड़ी क्या है 20, तो ये हो जाएगा हमारे सामने 1 हो जाएगा, 20 माइनस 10 1। ठीक है, तो अब आपके सामने पेनल्टी कौन कौन सी आ गई, 9, 20, 20, 10, 10 और 21। सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है इसमें, 21। ठीक है, तो अब 21 पे जाएंगे हम लोग और चेक करेंगे करस्पॉन्डिंग कॉलम में सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी है। छोटी कॉस्ट कौन सी दिख रही है आपको, 19। अब 19 चेक करो कि सबसे डिमांड सप्लाई क्या आ रही है, डिमांड हमारी 5 है, सप्लाई कितनी है 7, तो कितना हम लोग करेंगे लोकेट यहाँ पर, बोलो भाई 5। तो बोलते रहो तो क्वेश्चन डट गया होगा, 5 यहाँ हम लोग करेंगे 0, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा हमारे पास 2। ठीक है, अब जैसे हमारे पास है 2 हो गया और यहाँ होगा 0, तुरंत एक छोटी सी लाइन खींच देंगे ताकि हमें याद रहे, आगे क्वेश्चन में हमें दिक्कत ना आए, और यहाँ पे हम लोग एक खींच देंगे थोड़ा सा डैश, ये हम लोग पेनल्टी में भी इसको यूज ना कर। ठीक है, अब फिर से निकालेंगे हम लोग पेनल्टी। फर्स्ट रो में देखिए हमारे सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है आपको, 10, और उससे बड़ी वैल्यू क्या है 50, तो 50 माइनस 10 40, ये होगी आपकी पेनल्टी इस रो के लिए। अब सेकेंड रो के लिए देखो, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 40, और उससे बड़ी कॉस्ट क्या है 60, तो 60 माइनस 40 20। थर्ड रो में आ जाओ, स्मॉलेस्ट कॉस्ट 20, उससे बड़ी कॉस्ट क्या है 70, तो ये हो जाएगा आपके सामने 50। ठीक है, तो ये आपका रो वाइज हो गया। अब कॉलम वाइज, यहाँ पे डैश लगा हुआ है, यहाँ डैश लगा हुआ है, तो हम लोग अब जाएंगे नेक्स्ट कॉलम में। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 40, उससे बड़ी कॉस्ट क्या है 50, तो यहाँ डिफरेंस आ पाएगा 10 का। सिमिलरली नेक्स्ट कॉलम में चले जाओ, 10, उससे बड़ी कॉस्ट क्या है 20, तो 20 माइनस 10 10। बताओ भाई सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी हमारी, अभी बताओ भाई, 40, 20, 50, 10, 10, विच इज द बिगेस्ट पेनल्टी,
क्लास में है नहीं क्या भाई? अभिषेक हाँ सर यही है, यही सॉन्ग? है हाँ सर। रिस्पॉन्स करो भाई। बड़ी सर 50 है बिगेस्ट पेनल्टी को पेनल्टी। 50। हाँ तो ऐसे बोलते रहो बस, और क्या। तो 50 होगी अभी सबसे बड़ी बिल्कुल पेनल्टी। अब इस 50 करस्पॉन्डिंग जाएंगे हम लोग सबसे तो छोटी कॉस्ट में, हो जाएगी हमारी 20। 20 20 ठीक है, अब 20 देखो हमारी डिमांड कितनी आ रही है, 14। बेटा डिमांड 14। हाँ बेटा माइक बंद करो, आपके बहुत शोर आ रहा है। ओके सर। ठीक हाँ ओके। तो अब हमारे पास कितनी डिमांड है 20 के करस्पॉन्डिंग, 14 है। सप्लाई कितनी है 10 की, तुम्हें कितना देंगे यहाँ पर, 10 देंगे। ये हो जाएगा यहाँ पर 4 और ये बचेगा यहाँ पे 0। जैसे 0 हो जाएगा एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए इसके ऊपर हल्की सी, ताकि आपको याद रहे कि अब इसे यूज नहीं करना। आपके सामने क्या बचा है, 3 स्टेप हो गए। अब हम जाएंगे स्टेप 4 पे, यानी कि पेनल्टी 4 निकालेंगे, P4। फिर से वही स्टेप करना है आप लोगों को। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, 10, उससे बड़ी क्या है 50, 50 माइनस 10 40, उसके बाद 40 माइनस 60 20। चूंकि ये खत्म हो चुका है यहाँ पे डैश लगा देंगे, इसे हमें यूज नहीं करना। यहाँ पे ये दोनों में डैश लगा हुआ है, इन्हें यूज नहीं करना आप लोगों को। बेटा आवाज आ रही है मेरी? ओके यस सर। यस okay. सर। स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर थे, हमारी 2 पेनल्टी आ चुकी थी। अब हमारे पास जो है इस कॉलम की निकालनी है, D3 और D4 की। तो छोटी वैल्यू क्या दिख रही है, मैं 40 और 50, डिफरेंस क्या आ जाएगा हमारे सामने, 10। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ कॉलम में डिफरेंस क्या रहेगा, 10 माइनस 60। अब देखो 20 ऐसे हट चुका है, तो डिफरेंस क्या आ जाएगा, अब हमारे सामने डिफरेंस आएगा 50 का, 60 माइनस 10 50। ठीक है, तो अब देखो 40 20 10 50, सबसे बड़ी पेनल्टी कौन सी है 50। तो यहाँ पे एक एरो बनाओ, ये हो जाएगी हमारी सबसे बड़ी पेनल्टी। अब इस सबसे बड़ी पेनल्टी करस्पॉन्डिंग देखोगे सबसे छोटी कॉस्ट कौन सी दिख रही है आपको, 10। तो हम लोग 10 को देंगे एलोकेशन। अब 10 पे डिमांड कितनी आ रही है 4 की, सप्लाई कितनी है 2। यहाँ पे 2 आपकी हो जाएगी एलोकेशन, यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ बचेगा आपके सामने 2। जैसे आपके 0 हुआ आप इसको भी क्रॉस ऑफ कर दीजिए। ठीक है, अब क्या बचा आपके सामने, अब बचा आपके सामने सिर्फ 2 कॉलम, एक ये वाला और एक ये वाला। अब जाहिर सी बात है हमारे पास पेनल्टी निकालने के लिए 2 रो नहीं है, सिंगल रो बची है। तो जो हमारे बचे एलिमेंट्स हैं उनको डायरेक्ट एलोकेशन कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितना बचा हुआ है, 7। 40 करस्पॉन्डिंग कितना डिमांड है, 7। सप्लाई कितनी है, 9। तुम लोग यहाँ पे देंगे 7, इसे करेंगे 0 और यहाँ पे हमारा कितना बचा है 60 के सामने, 2। अब चूंकि 7 दिया, यहाँ कितना बचाएगा 2। तो देखो 60 करस्पॉन्डिंग हमारी डिमांड भी 2 है और सप्लाई भी 2 है। तुम लोग यहाँ पे 2 देना है, 2 एलोकेशन देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0 और यहां भी हो जाएगा हमारा 0। अब जैसे ही आपकी डिमांड सप्लाई सारी सेटिस्फाई हो गई, यानी कि सारी 0 हो गई है, क्वेश्चन आपका पूरा हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, अब क्या करना है आपको, आपको सिंपल
टोटल कॉस्ट निकालनी है, जहां जहां इसका एलोकेशन है उसको उसकी कॉस्ट से मल्टीप्लाई करके। बताओ तो भाई कितना आंसर आ रहा है? जो हमारा पहला आंसर आया था वो हमारा आया था 1015, 779 779। तो अब देखो आप, ये 779 उससे बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है, यानी जो हमारा पहला आंसर 1015 आ रहा था वो हमारा हो गया आंसर अब 779। ठीक है, तो ये फायदा है हमारा वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड का। तो इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो, वरना फिर आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर है भाई? यस सर। सर और आप इस, इसमें टोटल कॉस्ट, हाँ पूछो। सर इस मेथड में जो टोटल कॉस्ट निकलेगी वो लास्ट में एलोकेशन को मल्टीप्लाई कर करके निकलेगी ना? मतलब इसमें नहीं बेटा, हर क्वेश्चन में ऐसे निकलती है, जहां जहां आपने नहीं, वही एलोकेशन सब का तो रखा मैं, है। ठीक हाँ जी, हाँ जी, जहां जहां आपने एलोकेशन का रखा है उसको उससे मल्टीप्लाई करना होता है। है सर, ठीक ठीक है, है सर जी। चलिए। अब आपके पास एक क्विज आया होगा क्लासरूम में, जब उसको अटेंड करो फटाफट। क्विज नंबर कर टू लिया सर, करना, अभी थ्री मत। सर सारे ही कर दिए, 1 2 3 तीनों कर दिए। हाँ तो यहाँ पे हमारे कितना हो गया, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4। एक फॉर्मूला होता है m बेटा, आवाज आ रही है मेरी? शिवा सोम, यस सर आ रही है, यस यस वो सर आ रही है। थोड़ा सा लाइट का इशू हो रहा है इसलिए बार बार जा रही है। अभी लास्ट क्लास में कहाँ देखते हैं अभी आप लोग? अभी मैंने लास्ट में क्या बताया आपको? सर क्विज टू अटेम्प्ट करने को बोला था। अच्छा, क्विज था तो ठीक है। अब जरा यहाँ पे देख लो, क्विज अटेंड करने से पहले आपको मैंने बताया कि जो हमारे नंबर ऑफ एलोकेशंस है, यानी कि जहां जहां मैंने ये सर्किल बनाया था उसको बोलते हैं एलोकेशंस। आपको ये काउंट करने होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैंने काउंट किया, हमारे पास 6 एलोकेशंस हैं, एक ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। यानी कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो नंबर ऑफ एलोकेशन थे वो थे हमारे पास 6, ठीक है। फिर एक फॉर्मूला होता है m प्लस n माइनस 1,
अब इसमें एम क्या है, एम होगी हमारी नंबर ऑफ रो, एन होगी हमारी नंबर ऑफ कॉलम। तो इस क्वेश्चन में देखो हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है, तीन है, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, चार है, राइट। तो 3 + 4 - 1 यानी कि जो हमारा ये फॉर्मूला है वो इक्वल आ रहा है नंबर ऑफ एलोकेशंस के, जो कि हमारे 6 है, राइट। तो अगर हमारे ये दोनों फॉर्मूले इक्वल आ रहे हैं तभी हम लोग अगले स्टेप में बढ़ेंगे जो कि हमारा है ऑप्टिमलिटी टेस्ट, जो हम लोग कल देखेंगे, मोदी मेथड और स्टेपिंग स्टोन मेथड। तो हम लोग तभी बढ़ पाएंगे जब हमारा ये दोनों वैल्यू सेम होती हैं नंबर ऑफ एलोकेशंस के एम प्लस एन माइनस वन के। अदरवाइज हम लोगों को फिर एक स्टेप और देना होता है, यानी कि डिजेनरेसी को रिमूव करना, वो भी हम लोग कल देखेंगे, राइट। तो मुझे बस ये बताना था आपको। अब जिन लोगों ने क्विज अटेम्प्ट कर लिया है एक बार देख लेते हैं। क्विज नंबर 2 10 लोगों ने कर दिया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन द टोटल सप्लाई इज नॉट इक्वल टू द डिमांड। अब जिन लोगों ने कर दिया वो सबमिट नहीं कर पाएंगे, टाइम हो चुका है। देखो उसका आंसर क्या है, मैं बात कर रहा हूँ क्विज 2 की। When the total supply is not equal to the demand in the transportation problem, then it is called, हम लोगों ने अभी भी किया है क्वेश्चन, इसको बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम, यानी कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है। बैलेंस कैसे करते हैं, हम लोग एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं और उसकी हेल्प से हम लोग प्रॉब्लम को बैलेंस करते हैं, और जो भी हमने डमी रो या डमी कॉलम ऐड किया है उसकी कॉस्ट हो जाती है जीरो, राइट। पहला क्वेश्चन क्या था, फर्स्ट का पहला क्वेश्चन था, ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम items are allocated from source to destination at minimum cost. पहला स्टेप क्या था, सबसे कॉस्ट ही तो कम करनी है ट्रांसपोर्टेशन की। शुभ्रेंद्र, अभिषेक गोयल, शुभम कश्यप, अनुराग वर्मा, कई लोगों ने इसका गलत आंसर दिया है। अप्रोक्सीमेटली आधे लोगों ने सही दिया, आधे लोगों ने गलत दिया है, ठीक है। चलिए ओके, तो ये आपके दो क्विज थे आज के, जो लोगों ने दे दिया ठीक है, आप वो नहीं दे पाए, टाइम ऊपर हो चुका है। और अगर आपको कहीं कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो ना, क्लास से खत्म कर दो मैं यहीं पे। बताओ भाई, अभिषेक, सार्थक, सौम्य, शिवा, शुभम, कश्यप, शुभेंद्र, सर कोई डाउट नहीं है, सर अभी कोई नहीं है अपने। चलो बहुत अच्छी बात है, डाउट नहीं है। कल एक तो क्वेश्चन ट्राई करना आपने, आप जो मैंने बुक दे रखी है, तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। ओके, क्लास में ही फिनिश कर रहा हूँ, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.